क्या होता है आपके नाम का अर्थ? सर आशीष का शाब्दिक अर्थ आशीर्वाद से। किससे आशीर्वाद लेना चाहेंगे आप इंटरव्यू से पहले? सर अपने गुरुजनों से, अपने घर के बुजुर्ग लोगों से और ईश्वर से। सर ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप? यस सर। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से आपने किया है? यस सर। क्या रहा प्रोजेक्ट आपका फाइनल ईयर में? सर ऑटोमेटिक पावर सप्लाई फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज का सर। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी जिसको जानते होंगे आप। सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चंद्रयान के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? सर चंद्रयान 3 भारत का मून मिशन है जो दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए हमने भेजा था। लैंडर का कुछ नाम रखा गया था उसमें? सर जी सर विक्रम लैंडर था सर। ठीक है, कहाँ से उसको मतलब वो किया गया था, रॉकेट को छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, कौन सा चंद्रयान जो हमारा पहला मिशन था वो कब आरंभ किया गया था? सर 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था सर। कोई और देश इसमें इन्वॉल्व है अभी वर्तमान में? सर चंद्रयान 3 में। सॉरी सर जानकारी नहीं। रूस के द्वारा भी अभी चंद्रमा के लिए कुछ किया गया है कार्यक्रम, कुछ जानकारी है? सर रूस के द्वारा लूना 25 एक मून मिशन भेजा गया था जो 19 अगस्त को क्रैश हो गया सर, उस पर लैंड नहीं हो पाया सक्सेसफुली। क्या कारण है बाद में भेजने के बाद भी उनका रॉकेट या जो उनका उपग्रह है कहें वो पहले पहुंच गया है भारत के उपग्रह की तुलना में? सर रूस स्पेस तकनीक के मामले में सर भारत से कहीं आगे है तो उनका तो लेकिन क्रैश हो गया यार लूना 25। सर जो जो पहुंचने का जो तकनीक है वो पहुँच बहुत सर। ठीक है, गणित संकाय से हैं आप, फिजिक्स में आपकी रुचि रही है? एसी और डीसी करंट क्या होता है जरा बताइए मुझे। सर अल्टरनेटिंग करंट में सर जो डायरेक्शन है करंट का वो चेंज होते रहता है, जबकि डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट है उस पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता सर। करंट किस में लगता है अगर कोई व्यक्ति टच कर ले तो, एसी में कि डीसी में? अल्टरनेटिंग करंट पर। डीसी में नहीं लगेगी? सॉरी सर। ठीक है, विभव क्या होता है जरा बताओ। विभव धारा को जानते हैं, करंट क्या होता है बताइए, धारा क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है सर। तो आशीष जी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप गोंड जनजाति से हैं। यस सर। तो गोंड जनजाति की कुछ पारंपरिक चीज़ों के बारे में विशेषकर बताइए। सर गोंड जनजाति में एक विशिष्ट विवाह पद्धति पाया जाता है सर जिसे दूध लटावा विवाह कहा जाता है, जिसमें ममेरे फुफेरे जो भाई बहनों के बीच में है उनके मध्य विवाह होता है सर। इसके अलावा जो त्यौहार हैं वो विशेष प्रकार के हैं, जैसे आमा खाई, नवा खाई, दियारी त्यौहार मनाया जाता है सर। दियारी त्यौहार किस चीज़ से संबंधित है? सर नई फसलों के आने पे दियारी त्यौहार मनाया जाता है। तो फिर नवा खाई कब मनाया जाता है? सर एग्जैक्ट जानकारी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, क्योंकि आप CSUTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं। यस सर। तो विवेकानंद जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताइए जिसकी वजह से पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। सर विवेकानंद जी शिकागो में धर्म सम्मेलन पे एक उद्बोधन दिए थे 1893 में शिकागो में, और उनके उद्बोधन से पूरा जो सभा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था सर। ऐसा क्या कहा था उन्होंने अपनी सभा में? उन्होंने जो अमेरिका के जो देश जो नागरिक थे उनके उनको मेरे भाइयों और बहनों से संबोधित किया था सर। तो शिकागो आपके कहने के अनुसार अमेरिका में है? यस सर। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप सबसे पहले बताइए कि जो इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली जो आसमान से गिरती है वो कैसे गिरती है? सॉरी सर रिकॉलिंग। चलिए बताइए बादलों में जो गड़गड़ाहट आती है सर वो कैसे आती है? सॉरी सर रिकॉलिंग। और बताइए कि आपकी अभिरुचि है बच्चों को पढ़ाना। यस सर। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर जो छोटे बच्चे हैं उनको जो बेसिक मैथ्स है वो समझने में दिक्कत होता है सर, तो वो पढ़ाता हूँ। और उसके अलावा जो 7th-8th तक के जो बच्चे हैं उनको जो बेसिक ज्योग्राफी जो है उनको उनके सिलेबस में नए सब्जेक्ट जोड़ते हैं उनसे संबंधित सर पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो भारत के कुछ व्यक्तित्व का नाम बता सकते हैं जो मैथ्स के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य किए हुए हैं? सर एक रामानुजन जी हैं जी, और आर्यभट्ट जी हैं गणितज्ञ। रामानुजन जी का क्या योगदान रहा है भारतीय गणितज्ञ में?
सॉरी सर, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात बताइए जो आप बोले कि सर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस ओर से प्रवाह होती है और कैसे प्रवाह होना चालू होती है इसका थोड़ा बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है तो क्यों होती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं और आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या था बोले आप? पावर ऑटोमेटिक पावर सप्लाई फ्रॉम थ्री डिफरेंट सोर्सेज। क्या थी तीन डिफरेंट सोर्सेज क्या थी सर? इसमें सोलर एनर्जी को लिए थे और मेन सप्लाई को और जनरेटर, तो जनरेटर उस पर नहीं था सर, डमी उस पर रखे थे। तो ये पहले से उपलब्ध था, फिर आप क्या नया किया इसमें? सर इस पर जो अगर जो सोलर सप्लाई है अगर वो बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है मेन सप्लाई से लेने पड़ता सर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था? यस सर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेनली क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? सर उसमें जो लो वोल्टेज जो जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे ट्रांजिस्टर डायोड इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है सर। तो क्या होता है ट्रांजिस्टर? सॉरी सर, डेफिनेशन एक्जेक्टली। चलिए बोलिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है जानते हैं? यस सर, बताइए। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है सर जिसके माध्यम से वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। और कैसे हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं इसका हम कुछ बताएंगे बेसिक? कि मान लीजिए मैं 240 वोल्ट का करंट दे दिया, उसको 480 कैसे बनाऊंगा? सब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का दिया करते जी, बोलिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जाता है। कैसे वही कैसे होता है स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या अंतर है? कैसे हम किसी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोलते हैं स्टेप डाउन कहते हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, घर में जो यूज़ होती है बताइए वो कौन सी करंट यूज़ होती है? सर वो अल्टरनेटिव करंट यूज़ होता है। और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या उसका आदर्श मान क्या है घर के लिए? सर जो फ्रीक्वेंसी है सर, आदर्श मान जी, वो 50 हर्ट्ज है सर इंडिया पे। और उसके वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू? 220 वोल्ट सर। चलिए अच्छी बात है। घरों में जो हम बोर्ड वगैरह में यूज़ करते हैं, हमारे जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन सी श्रृंखला में जुड़ी होती है? सर वो पैरेलल श्रृंखला में जुड़ी होती है सर। श्योर है पैरेलल जुड़ी होती है सर? आशीष कुमार जी, अभी चंद्रयान 3 बहुत ही न्यूज में रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग, आपने भी कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है, सॉफ्ट लैंडिंग हो भी गया, आप इस शब्द को मुझे बताइए सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है एक्चुअल में? जो सॉफ्ट लैंडिंग है सर, दो तरीके से लैंडिंग किया जाता है, एक हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग में सर जो लैंडर है उसकी स्पीड को बहुत ही धीमी गति से लेकर जाते हैं सर। अच्छा, एग्जैक्टली। और हार्ड लैंडिंग में कैसे करेंगे सर? वो अच्छा, वो स्पीड से आता है सर। अगर ठीक ठाक लैंड नहीं हुआ तो हार्ड लैंडिंग मतलब फेल हो गया, है ना? चलिए, एक और शब्द आप सुने होंगे इकोनॉमी में, PPP, है ना? तो ये PPP का है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बताइए इसको। सर PPP का फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इसके द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जो नेशनल हाईवे वगैरह बनाने की बात है, उसको गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में पार्टनरशिप के माध्यम से बनाया जाता है सर। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में इसके तहत कोई निर्माण हुआ है PPP में? अच्छा, इंडिया का बता दीजिए। सॉरी सर, कोई ऐसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? अभी KSIVAN जी हैं। वर्तमान में चेंज हो गए क्या? सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लाफागढ़ के बारे में बता पाएंगे आप? कोरबा जिले से है ना, तो कोरबा जिले में लाफागढ़ स्थित है, क्या खासियत है लाफागढ़ की? लाफागढ़ को सर छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। यहाँ जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे एक किलेबंदी का कार्य, एक किला बनाया गया सर। उस किले का निर्माण कौन से शासक करवाए थे? कलचुरी वंश के द्वारा कराया गया था सर। ठीक है, आप जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, जनजातियों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वो सगोत्री विवाह नहीं करते, बहिर्गोत्री विवाह करते हैं, है ना? एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, तो इसका कुछ महत्व है साइंटिफिकली अपन देखें तो? जी सर, इसमें जो समगोत्री विवाह हो जाता है तो फिर माना जाता है कि जो रक्त समूह है उन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सर, सेम गोत्र विवाह करने से। ठीक, आशीष जी लास्ट क्वेश्चन, आप में कौन कौन से प्रशासनिक गुण हैं जिसके आधार पे आपका हम सिलेक्शन मतलब PSC सेलेक्ट करें आपको? सर प्रशासन के लिए जो बेसिक गुण चाहिए जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता और धैर्य, ये सब गुण मेरे अंदर है सर। निष्पक्षता ठीक है, अच्छी गुण है, ये सहिष्णुता क्या चीज़ है?
सर सहिष्णुता का बेसिक तात्पर्य सहनशीलता से होता है, या फिर जो किसी अन्य जो वर्गों के प्रति नफरत का भावना रखना, ये सहिष्णुता होता है सर। अच्छा, तो धैर्य भी सेम चीज़ हो गया? सर धैर्य किसी किसी वर्ग विशेष को ना लेके धैर्य अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा जा सकता है।